हेलो फ्रेंड्स, आज हम चीन के संविधान के परिचय के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम चीन के बारे में देखें तो सेकंड वर्ल्ड वार तक इसे द सिकमैन ऑफ एशिया या चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। वे उसे पूरब का तरबूज चाइनीज मेलन समझते थे। लेकिन यदि हम बात करें 1949 के बाद के चाइना की, तो साम्यवादी क्रांति के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज अगर हम देखें तो न्यूक्लियर भौतिकी के क्षेत्र में चीन पश्चिमी राष्ट्रों के बराबरी के साथ है। चीन की बढ़ती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जॉन ने वर्षों पूर्व कहा था कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। और यदि हम नेपोलियन बोनापार्ट के शब्दों में कहें तो उनके अनुसार वहाँ एक देवता सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। और अगर हम वर्तमान में देखें तो बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। वर्तमान समय में चीन की कूटनीति रूस और अमेरिका को ही नहीं लेकिन विश्व के अन्य दूर के और पड़ोसी देशों को सभी को परेशान किए हुए हैं। यदि हम यहाँ की भूमि और लोगों के बारे में बात करें तो जैसा हम सभी जानते हैं कि चीन संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और यदि इसके क्षेत्रफल या एरिया की बात करते हैं तो ये संसार में 3रे नंबर का देश है। चाइना में 21 प्रांत, 5 स्वायत्तशासी क्षेत्र और 3 नगर निगम क्षेत्र पीकिंग, शंघाई और टेंसिट हैं। अगर हम इसके ये कहें कि चाइना के संविधान का अध्ययन का क्या महत्व है, तो हम सभी जानते हैं कि इसके अध्ययन का महत्व सबसे बड़ी बात यह है कि यह संसार के एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश की शासन प्रणाली है। दूसरा, यदि हम इसके संविधान के महत्व के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि सोवियत संघ का पतन जो कि 1991 में हो गया था, उसके बाद साम्यवादी शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व यदि कोई करता है तो वह चाइना है। सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ का पर कुछ विचित्र और राजनीतिक संस्थाएं भी होती हैं, जैसे नए संविधान में राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग जैसी निराली संस्थाओं का विशेष उल्लेख मिलता है जो कि अन्य देशों में नहीं पाई जाती हैं। इसके अध्ययन का महत्व इसलिए भी है कि विश्व की एक महान शक्ति है और एशिया के देशों पर उसका बहुत प्रभाव है। और यदि हम भारत की चाइना के साथ बात करें तो भारतीयों के लिए तो विशेष महत्व रखता है चीनी संविधान का अध्ययन, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है जिसके विश्व पर छा जाने का खतरा है, तो एशिया के भारत और चीन विकासशील जगत के दो सबसे बड़े ऐसे राष्ट्र हैं जो न केवल प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं वरन आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। तो एक तरीके से भारत और चाइना विश्व के अंतर्गत शक्ति संतुलन का कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम चाइना के संविधान की। चाइना के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने से पहले हम इसकी जो वैचारिक आधार है, इसकी आइडियोलॉजिकल जो बेसिस हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना होगा। सबसे पहला इसका जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है वो है मार्क्सवाद। जैसा हम सभी जानते हैं कि मार्क्स ने अपनी जो बुक है कैपिटल में इसके बारे में बताया है, क्योंकि कार्ल मार्क्स को हम वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। इनके अनुसार समाज में एक वर्ग शोषित है और दूसरा वर्ग शोषक वर्ग है और दोनों के जो कहना चाहिए कि हित हैं वो आपस में टकराते हैं और इसका जो समाधान ढूंढते हैं वो
वो वर्तमान में वर्गहीन समाज में ही इसका समाधान ढूंढते हैं। उनके अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति होगी जो कि सरोहरा वर्ग की क्रांति होगी, जो कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों को समाप्त करके अंत में शोषक वर्ग का अंत करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना करेगी। दूसरे इसके प्रणेता हैं लेनिनवाद। रूस में साम्यवाद की स्थापना का प्रारंभ लेनिन के ही प्रयत्नों का फल था। लेनिन का उद्देश्य मार्क्स की शिक्षाओं का पुनरुत्थान करना था, जो कि उसने दो प्रकार से किया। पहला तो उसने मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की नवीन परिस्थिति में व्याख्या की। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्वंद्वादवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत था, उसका कहना था कि एक वाद उत्पन्न होता है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा प्रतिवाद उत्पन्न होता है। कुछ समय बाद दोनों का जो सम्मिश्रण होता है वो संवाद के रूप में जाना जाता है और ये प्रक्रिया निरंतर और अनवरत रूप से चलती रहती है। दूसरा उसने प्रतिपादित किया कि समाजवाद की स्थापना क्रांतिकारी साधनों से हो सकती है। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में सरोहरा वर्ग के अधिनायकत्व की विस्तृत व्याख्या की थी। लेनिन ने अपने श्रमिक अधिनायकत्व के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया था कि उसके अंतर्गत श्रमिकों एवं अन्य शोषित वर्गों के बीच मित्रता होनी चाहिए, लेकिन नेतृत्व किसके हाथों में होना चाहिए? श्रमिकों के ही हाथों में होना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरी जो हम देखते हैं इसकी वैचारिक आधार वो है माओवाद। वस्तुतः मार्क्सवादी लेनिनवादी होते हुए भी माओ प्रारंभ से अंत तक राष्ट्रीयतावादी बना रहा। राष्ट्रीयता का संवेग सदैव उसके व्यक्तित्व का अभिन्न बना रहा। उसने सदैव चीन की महान जनता और उसकी महान परंपराओं की प्रशंसा की। माओ शक्ति का पुजारी था। उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली में से उत्पन्न होती है और बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। माओ साम्यवाद लाने के लिए युद्ध की अनिवार्यता और शक्ति में विश्वास करता है। तो इस प्रकार से माओ, हम देखते हैं कि माओ एक कट्टर राष्ट्रवादी था और उसके लिए राष्ट्रवाद कोई आवश्यक बुराई नहीं थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो 1982 का जो चीनी संविधान है उसे 5 भागों में बांटा गया है। संविधान की प्रस्तावना और 4 अन्य अध्याय। और इसकी जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि सभी राष्ट्र जातियों ने मिलकर चीन की संस्कृति को वैभवशाली बनाया है और क्रांति की गौरवपूर्ण विरासत को कायम रखा है। इसकी सबसे पहली विशेषता लेते हैं हम संक्षिप्त संविधान। चीन का जो वर्तमान 1982 वाला संविधान है वो बिल्कुल संक्षिप्त है, जिसमें 138 अर्थात 138 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। इसे 5 भागों में विभक्त किया, जैसा कि पहले बताया था, एक प्रस्तावना और 4 अन्य भाग। और इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्येक शासन और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित भी किया गया है। दूसरी विशेषता लिखित तथा निर्मित संविधान। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है, अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है अनम्य संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान या अनम्य संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें संशोधन उतनी सुगमता से नहीं किया जा सकता है जितनी सुगमता से कोई साधारण कानून बनाया या मिटाया जा सकता है। क्योंकि यदि चाइना के संविधान में हमको संशोधन करना हो तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति लाएगी या 115 से अधिक संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, पर यह तभी मान्य होगा जबकि वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा 2/3 मेजोरिटी से पारित कर दिया जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर जनवादी गणतंत्र का अपनाया गया है।
अर्थात संपूर्ण सत्ता जनतंत्र में जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। संविधान के अनुच्छेद 2 में शासन के रिपब्लिकन जो स्वरूप है उसकी 3 विशेषताएं अंकित है। पहली, समस्त जो सत्ता है वो जनता के हाथों में है। दूसरी, हर स्तर पर जनसभाओं का गठन किया जाएगा। और तीसरी, लोगों को राजकीय मामलों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाइना एक महान विरासत वाला देश है, सबसे बड़ा साम्यवादी देश है रूस के अवसान के बाद। और यदि हम बात करें तो विश्व शांति और को बनाए रखने और मिटाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की शासन व्यवस्था अनूठी भी है और साथ ही साथ सिद्धांत और व्यवहार में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।